हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिफ्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर द फिश टेल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डीप अंडर द सी सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। गहरे समुंदर के अंदर लवली कलर्ड फिश स्विमिंग करती हैं पीसफुली। दिस स्पेशल पोइम इन थ्री लाइन्स इज कॉल्ड अ हयाकू। इस तरह की स्पेशल पोइम जिसमें थ्री लाइन है वो उसे क्या कहते हैं? हयाकू। सच पोइम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। इस तरह की जो नेचर से रिलेटेड पोइम है वहाँ कहाँ पे पॉपुलर है? जापान में। हेयर इज अनदर हयाकू। द लेक काम स्मूथ स्टील ए फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स रिपल शेक द लेक। डू यू नो एनी पोइम अबाउट फिश? हेयर आर सम ड्राइंग मेड बाई चिल्ड्रन। यहाँ पर कुछ ड्राइंग है जो बच्चों के द्वारा बनाई गई है, ये देखो। When you think of fishes, what shapes come to your mind? जब तुम फिश के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में कौन सी शेप आती है? ऐसी शेप आती है ना हमारे दिमाग में। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ये, ट्राई टू यूज ए स्क्वेयर एंड ए ट्रैंगल टू ड्रॉ ए फिश। तो हम ऐसे करके, स्क्वेयर क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों और हर एंगल क्या हो? 90 डिग्री का। इसके नीचे ऐसे ट्रायंगल बना देंगे, ऐसी शेप तुम ड्रॉ कर देना। इस तरह से बनाएंगे पहले स्क्वेयर, फिर उसके नीचे ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लुक फॉर फिशेस फिश डिज़ाइन अराउंड यू ऑन क्लोथ इन पेंटिंग्स ऑन मैट एक्सेट्रा। मीन मीन्स ए फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आई लुक लाइक अ फिश। मीन का मतलब मछली होती है और मीनाक्षी एक ऐसी लड़की है जिसकी आँखें जो है वो फिश की तरह दिखाई देती है। कैन यू थिंक ऑफ समवन हुज आई हु हैज सच आईज। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जिसकी आंखें ऐसी हो, यानी कि फिश के जैसी हो? अगर जानते हो तो ड्राई फिश विद फिश आई। नेक्स्ट देखो, फिशेज कैन हैव वेरी डिफरेंट साइज। फिशेज के जो है अलग अलग साइज होते हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो सबसे छोटी फिश है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। तुम सबसे बड़ी फिश को कितना लंबा इमेजिन करते हो? और हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। तो इसके लिए हम देखते हैं, देखो इसमें ये रहा। वेल शार्क इज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। आई कैन इमेजिन ए फिश अबाउट 18 मीटर लॉन्ग। सेकेंड जो क्वेश्चन था, द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द लॉन्गेस्ट फिश इज अबाउट 8 मीटर लॉन्ग। तो 1 मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर। यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 18 मीटर में कितने हो गए? 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो जो स्मॉल लॉन्गेस्ट फिश है वो स्मॉल फिश से कितनी लॉन्ग हो गई? यानी कि 1800 सेंटीमीटर उससे लंबी हो गई ये। नेक्स्ट देखते हैं, द बिगेस्ट फिश इज द वेल शार्क। इट इज़ एक्चुअली नॉट ए वेल बट इज ए बिग फिश। वेल आर डिफरेंट फ्रॉम फिशेज। वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू थ्रू देयर नोजेज। वेल्स जो है वो फिश से अलग होती है। वेल्स ऐसे सांस लेती है जैसे हम लेते हैं ह्यूमन बींग्स अपनी नाक से। बट फिश हैव नो नोजेज एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। जो फिश है उनकी नाक नहीं होती, वो अपने अंदर पानी लेती है न कि एयर।
व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज बट फिश ले एग्स। व्हेल्स जो है बेबीज को जन्म देती है और फिश जो है वो अंडे देती है। द व्हेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस बट इज़ क्वाइट हार्मलेस, इट डज नॉट अटैक ह्यूमन्स। व्हेल शार्क जो है वो दिखने में बहुत बड़ी और ख़तरनाक दिखाई देती है परंतु वो ह्यूमन्स के ऊपर अटैक नहीं करती। वन व्हेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज़, ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द अदर। 12 बच्चों को एक के ऊपर एक जैसे इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, यहाँ ऐसे खड़ा कर देंगे, इतनी लंबाई व्हेल शार्क की होगी। एंड गैस व्हाट इज वेट, वेल मच मोर मच देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। इट्स वेट वाज अबाउट 16,000 kg, यानी कि इसमें 16,000 किलोग्राम जो है वजन होता है। अब नेक्स्ट देखो आंसर करने इनके। अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम डू यू वे, तुम में कितना किलोग्राम वजन है। हमने इसके लिए मान लिया कि एक बच्चे में, आपकी क्लास का कोई बच्चा है जिसमें वेट है हमारा, ये क्वेश्चन हमने मान लिया इसमें कि इसमें 35 kg वेट है। तो वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन, 12 चिल्ड्रन में कितना हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो गया, 420 kg, 420 kg। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर वे कितना हो गया इसमें, 420 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन द 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। इसमें देखो वेट ऑफ ए व्हेल शार्क, व्हेल शार्क में कितना है, 16,000 kg, और 12 चिल्ड्रन में है 420 kg। तो डिफरेंस इनके जो वेट में कितना हो गया, इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये हो गया 15,580 kg। नेक्स्ट देखो द फिश टेल। टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलोंग देयर बॉडी बट द टेल ऑफ द व्हेल्स ऑलमोस्ट लुक्स लाइक टू लेग्स। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। ये देखो हमारे सामने है जो फिश होती है वो ऐसी ही होंगी, और व्हेल्स की जो है वो लग रहा कि ये इसकी लेग्स हैं। स्कूल ऑफ फिश। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन अ बिग ग्रुप कॉल्ड स्कूल ऑफ फिश। जो फिश जो ग्रुप में रहती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्कूल। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। इस ग्रुप में वो अपने आप को बड़ी मछलियों से सेफ फील करती हैं। टू स्केयर देम, टू स्केयर अवे द बिगर फिश, सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप ए लोट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक्स बिग। जैसे इसमें दिखा रखा है कि वो ज़्यादा पानी पी लेती हैं, जिससे वो क्या हो जाती हैं, उनका स्वेलिंग आ जाती है और वो बड़ी दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट देखो, जिनसी यूज्ड दिस शेप टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश, नाउ यू आल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रा डिफरेंट शी एनिमल शोन बिलो। इन्हें बना रखे हैं, ये शी एनिमल्स हैं। विच ऑफ दीज शी एनिमल हैव यू सीन बिफोर। इस क्वेश्चन का आंसर आपने इनमें से जो जो सी एनिमल्स पहले देख रखे हैं उनका नाम आप लिख दीजिए। नेक्स्ट है फिशरमैन इन देयर बोट। हाउ मैनी ऑफ यू यू हैव सीन द शी, वेयर डिड यू सी इट, डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल, हाउ डिप यू थिंक द सी कुड बी फाइंड आउट। इसने पूछा है कि आपने कभी सी को देखा है,
अगर देखा है तो कैस कहाँ देखा है, और देखा है तो मूवी में या रियल में। और आप क्या सोचते हो कि जो समुंदर है वो सी है वो कितना गहरा होगा, इसका आंसर हम देख लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो इसका आंसर, या अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, ये हमारा है। आई हैव सीन द सी एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑल्सो सीन द सी। आई हैव सीन द सी एट पुरी ड्यूरिंग ए ट्रिप। द सी शुड बी एट लीस्ट 1,000 फीट डीप। नेक्स्ट देखो, डू यू नो हाउ टू स्विम, वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ हाई सी वेव्स, इसका आंसर भी हम देखते हैं। यस, ये देखो यहाँ, यस आई नो हाउ टू स्विम, यस द हाई वेव्स कैन बी स्केरी, मैं जानता हूँ तैरना, और जो हाई वेव्स होती हैं उसकी वो डरावनी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विद वेव राइजिंग राइजिंग हाई। तो इमेजिन करो तो क्या आएगा, तुम इमेजिन करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, कितनी ऊंची उसकी समुंदर की लहरें जा सकती है। तो हम लिख लेंगे अप्रोक्सीमेट 50 फीट। नेक्स्ट देखो, इमेजिन दैट देर आर फिशरमैन इन देयर बोट गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। सम गो ऑन ए सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। इफ द सी इज रफ विद वेरी हाई टाइड एंड ए स्ट्रॉन्ग विंड, देन दीज फिशरमैन हैव ए वेरी डिफिकल्ट टाइम। जो लकड़ी से बनी होती है उनमें जाते हैं तो सी जो रफ होता है तो उनके लिए बहुत ही कठिनाई का टाइम होता है। दीज लोग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार, इस तरह की जो बोट्स होती हैं लकड़ी से बनी हुई वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर जा सकती हैं, अगर उसकी जो हवा है जो जिस दिशा में वो चला रहे हैं उसी डायरेक्शन में हवा चल रही हो तो। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, देखते हैं हम इसमें। देखो इसमें ये वाला, इन 1 आवर द बोट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, 1 घंटे में जो बोट है वो 4 किलोमीटर जा सकती है, तो 2 घंटों में कितनी जाएगी, 4 × 2 8 किलोमीटर। अब हमें कितना किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर। इन हाफ आवर आधे घंटे में वो बोट कितनी जाएगी, 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर जा रही है, तो आधा घंटा में वो 2 किलोमीटर जाएगी। सो इन 2 एंड ए हाफ आवर द बोट विल ट्रेवल कितने दूर जाएगी, वो 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गैस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट। तो हम लिख देंगे आई कैन गो 4 और 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड अवर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर वाटर एंड नथिंग एल्स। हम भी ऐसे पहचान नहीं पा सकते क्योंकि जो समुंदर में है हमें हर तरफ क्या दिखाई देगा, पानी ही पानी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेज। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर आर यू वेयर यू आर, वट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू
सी टू योर ईस्ट, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे आप ईस्ट में आपके, ये देखो। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड आई सी द राइजिंग सन इन द ईस्ट, सभी को पता है हम क्या देखेंगे ईस्ट में, राइजिंग सन देखेंगे। नेक्स्ट है, नेम टू थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट, वेस्ट में क्या देखेंगे हम, ईस्ट में राइजिंग सन देखते हैं, वेस्ट में देखेंगे आई सी द सिटिंग सन इन द वेस्ट, द वेस्टर्न स्काई लुक्स ऑरेंज रेड इन द इवनिंग,